जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मैं नीरज कुमार सिंह ऑन बिहाफ ऑफ ऑरेकल इंफोटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एज वेल एज ऑन बिहाफ ऑफ ऑरेकल एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड, जल्दी ही हम आपको पेटेंट से रिलेटेड बहुत सारी चीजों को सिखाने जा रहे हैं। पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिजाइन राइट्स, ट्रेड सीक्रेट, ये सब कुछ ऐसे आर्टिस्टिक वर्क हैं जिनसे कि जनरली कई बार हम अवेयर नहीं हो पाते हैं। आज डिजिटल इंडिया की जब हम बात करते हैं तो हम अपनी सरकार को भी देखते हैं, तो सरकार भी यही चाहती है कि स्टार्टअप के रूप में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन भारत देश में स्टार्ट हो, जो यंग जनरेशन है वो अच्छे से अच्छे आइडिया लेकर आए और देश में किस तरह से पब्लिक का अच्छा भला हो सकता है उस पर काम करें। बट जब हम बिजनेस की बात करते हैं, जब हम स्टार्टअप की बात करते हैं, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो थिंग है वह होती है कि हम किसी न किसी बिजनेस को जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो उस बिजनेस का नाम क्या होगा, उस बिजनेस का ब्रांड क्या होगा। वैसे तो दोस्तों जब आप देखेंगे अपना ब्रांड रजिस्टर कराने जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि बहुत सारे तरह के ब्रांड जो आप सोच रहे हैं वो ऑलरेडी बहुत सारे तरह के रजिस्टर्ड हैं, लेकिन फिर भी आप अपने नए नए नाम सोच सकते हैं और उनको एज ए ब्रांड के रूप में रजिस्टर करा सकते हैं। क्योंकि जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत की संपदा की बात करते हैं तो भारत की संपदा बहुत बृहद रूप में है। भारत की संपदा इतनी बृहद रूप में है कि शायद ही किसी अदर कंट्री की संपदा इतनी बृहद रूप में होगी, क्योंकि भारत विश्व का पुरातन देश है। सबसे पुरातन देश अगर कोई है इस धरा पर तो वो भारत ही है। तो भारत की जो संपदा है वो विश्व लेवल पर है, विश्व विख्यात है, और उस संपदा का कोई तोड़ नहीं है। ऐसी कोई भी चीज, ऐसी कोई भी वस्तु जो कि मानव निर्मित है, सूरज एवं पृथ्वी के बीच में आती है, मानव के द्वारा निर्मित है, ऐसी किसी भी वस्तु का पेटेंट फाइल कर सकते हैं, ट्रेडमार्क फाइल कर सकते हैं, उसका डिजाइन राइट ले सकते हैं, बशर्ते कि किसी दूसरे ने पहले से उसका ट्रेडमार्क या डिजाइन राइट्स या कॉपीराइट या फिर पेटेंट न कराया हो। तो पेटेंट, जैसा कि हम कह रहे हैं कि पेटेंट एक कला है, और यह जो कला है, यह कला जो छिपा हुआ है उसको दोबारा विकसित करने की कला है। क्योंकि पेटेंट की बात अगर करते हैं तो पेटेंट कराना ये कोई पुराना, बहुत पुराना प्रोसीजर नहीं है। यह अभी कुछ विदेशी समूह ऐसे बने जिन्होंने कि पेटेंट डिपार्टमेंट को बना दिया, 40-50 साल का टाइम हुआ है अभी जब से कि लोग पेटेंट के बारे में सोचने लगे। अदरवाइज अगर हम 40-50 साल से पुराना चले जाते हैं तो आप देखेंगे, या 100 साल बैक चले जाते हैं तो आप देखेंगे कि हर मानव हर काम को करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र था। पेटेंट नाम की कोई भी चीजें, इस तरह की चीजें नहीं हुआ करती थी, किसी भी तरह की कोई राइट की बातें नहीं हुआ करती थी। सब लोग एक दूसरे का भला चाहते थे, एक दूसरे पर राज करने की बातें नहीं सोचा करते थे। तो जैसा कि मैं कह रहा हूं कि पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिजाइन राइट, ट्रेड सीक्रेट, कॉपीराइट, ये 5 तरह के ये पेटेंट के टाइप हैं जो कि हम सीखेंगे और हमारे लेक्चर्स आगे पेटेंट्स पर और ट्रेडमार्क पर कंटिन्यू आते रहेंगे। मैं चाहूंगा कि हमारे आगे कंटिन्यू पेटेंट्स रिलेटेड जो कुछ भी हम एग्जामिनेशंस की तैयारी करने जा रहे हैं, क्योंकि हम उसी पर स्टडी मटेरियल और लेक्चर्स प्रोवाइड करने जा रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद उसकी रिंग बेल को भी ऑन कर दें, सो दैट कि जब भी हमारा नया लेक्चर आता है आपको वो लेक्चर सबसे पहले डिलीवर हो जाए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।